जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपनी YouTube चैनल सुनीता जी के किचन में। तो अभी वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है और हमें आपको एक दो इनविटेशन कार्ड तो मिल ही जा रहे हैं, और शादियों में जाने के बाद गाजर का हलवा टेस्ट करना तो मस्त होता है। वहाँ पर हमारा पेट तो भर जाता है पर हमारी नीयत नहीं, और उसी गाजर के हलवे को हम घर पर बना कर देखते हैं पर हलवाइयों जैसा टेस्ट नहीं आ पाता। तो चलिए आज घर पर हम एकदम हलवाइयों जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं, बस कुछ ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं जिन्हें हम अच्छे से वॉश करके कट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 8 से 9 गाजर ले लेंगे जिन्हें हम अच्छे से वॉश करके घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स, चीनी, घी, दूध ले लिया है। तो यदि ग्राम में देखें तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी यानी 150 ग्राम चीनी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम 1/2 कटोरी यहाँ घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने घर में बना हुआ घी का इस्तेमाल किया है। यदि आपको सीखना है तो हमने वो चैनल पे डाल रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 1 पाव हम यहाँ पर दूध ले लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पर थोड़ा सा काजू, थोड़ी सी किशमिश ले ली है। आप ड्राई फ्रूट्स में यदि आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो ना, आप अपने पसंद अनुसार या जो चीज़ आपके पास हो उस हिसाब से उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 20-21 हमने यहाँ पर इलायची ले ली है, और इन सब चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पर बादाम भी ले लिया है। अब इन सब चीज़ों से हम अपनी एकदम टेस्टी हलवाई जैसी गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने से पहले यहाँ पर हमें गाजर को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम एक एक करके सारे गाजर को अच्छे से छील लेंगे। वैसे गाजर का हलवा बनाने के भी बहुत सारे तरीके रहते हैं। एक तो ये नॉर्मल तरीका जहाँ पर हम इसे छील कर अच्छे से इसे कद्दूकस करके छील लेंगे। दूसरा तरीका कि हम इसे उबाल कर, उबालने के बाद जो गाजर रहेंगे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, उसके बाद उसे मैश कर लो। तो यदि आपके पास टाइम ना हो तो आप उस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, उबाल कर आप इसे मैश कर लीजिएगा। और टाइम हो तो आप इसी तरीके से बनाइएगा उसके, फिर अच्छे से छील कर फिर उसे कद्दूकस करके। इसके बाद यहाँ पर एक एक करके हम इसके एंड्स को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे गाजर एकदम अच्छे से छिल भी चुके हैं और उनके एंड्स भी अच्छे से कट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसे एक एक करके अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। गाजर के अच्छे से कद्दूकस कर लेने के बाद यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लेंगे। यहाँ पर सब चीज़ें ऑप्शनल है, आपको ड्राई फ्रूट में जो चीज़ पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या यदि आपके पास नहीं हो ड्राई फ्रूट्स, यदि आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, उसे आप टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप इसमें डाल भी सकते हैं या टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम काजू को भी रफली चॉप कर लेंगे। इसके बाद हम इसे खलबट्टे में डालकर अच्छे से कूट लेंगे। यदि आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ों को तैयार कर लिया है। सबसे पहले हमने 8 से 9 गाजर लिए थे जिन्हें हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया। ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पर काजू बादाम लिया था जिन्हें हमने अच्छे से रफली चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर किशमिश ले लिया था, थोड़ा सा इलायची पाउडर और घी और चीनी। तो यहाँ पर हमारी गाजर का हलवा बनने के लिए सब चीज़ें तैयार हैं। गैस चालू करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 1.5 बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह तेल और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, किशमिश, काजू, बादाम, और इन सब चीज़ों को हम 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम गाजर को अच्छे से पकने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा कच्चापन है और सब चीज़ों के साथ अच्छे से पकने के लिए, यहाँ पर हम इसे 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे।
तो यहाँ पर हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। 10 से 15 मिनट हमें इसे ढककर कुक करना है, तो इसे बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जलना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से हम पका लेंगे। और यहाँ पर फिर से हम इसे ढक लेंगे और गैस का फ्लेम जैसा हमने बताया लो टू मीडियम करना है, लो टू मीडियम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाजर की क्वांटिटी थी वो भी पक के बहुत कम हो चुकी है, और जो गाजर हैं वो एकदम अच्छे से पक चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हमें इसे टोटल 10 मिनट लगा पकाने में, इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने एक पाव दूध का इस्तेमाल किया है और दूध जो रहेगा वो गाजर को थोड़ा और सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर आप बॉयल या बिना उबाला हुआ दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हम आपस में मिला लेंगे और इसे 15 मिनट हम अच्छे से कुक कर लेंगे। सब चीज़ों के अच्छे से कुक हो जाने के बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने 150 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है, जिसे हम 10 मिनट अच्छे से लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद मॉइस्चर रिलीज करता है और इसके थोड़ी देर बाद ही वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो गाजर का हलवा रहेगा उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और 10 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हमारा गाजर का एकदम टेस्टी हलवाई जैसा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारी एकदम टेस्टी गाजर के हलवे हलवाई स्टाइल में बनकर तैयार हो गए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ गलती लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उन सब चीज़ों को अच्छा कर सकें। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में, ताकि हम कुछ ऐसी नई नई रेसिपी आप सभी के लिए लाते रहें। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री श्याम, राधे राधे।